रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक केयर सॉप का रिव्यू, जो मेरे पास मौजूद है। देख सकते हैं, ये फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक केयर एक्सपर्ट फाइनेंस सोल्यूशन शॉप, ये फेयर एंड लवली का है। ये हर्बल ब्यूटी शॉप है, इसमें जड़ी बूटियाँ और काफ़ी सारे हर्ब्स इसमें शामिल है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त शॉप है। और ये इंडियन ब्रांड है, इंडिया का शॉप है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर और यहाँ पर इसका बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, 2025। और ये 105 ग्राम का शॉप है। ये जो शॉप है आयुर्वेदिक केयर, ये आपको जस्ट इंडियन मिलेगा या फिर फॉरेन कंट्री वाला मिलेगा, ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये वाला पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने बनाया भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ फेयर लवली नॉर्मल जो शॉप है, फेयरनेस शॉप वो है, और मुल्तानी मिट्टी वाला शॉप वो बनाया है, ये वाला नहीं है। और इसमें आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा, क्रीम भी मिल जाएगी, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो कि कोई भी फेयरनेस क्रीम या सॉप यूज़ करते हैं तो उससे उनको साइड इफेक्ट होता है, पिंपल्स निकल आते हैं और स्किन डार्क हो जाती है। तो इस सॉप से ऐसा नहीं है, ये 100% नेचुरल है और जड़ी बूटियाँ काफ़ी सारे हर्ब्स के साथ है, जो कि स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाते। और ये हर स्किन टाइप के लिए है, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव। और इसको आप 12 महीने यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मौसम में, सीजन में यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसको सर्दियों में यूज़ करें या गर्मियों में यूज़ करें, किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है और ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, लेकिन अब प्राइस शायद बढ़ गए होंगे, लेकिन मैंने ये 100 रुपये का लिया था एक ईरानी सुपर स्टोर से। तो ये इजीली आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा, लेकिन लोकल शॉप से नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन ब्रांड है। यहाँ पर ये देखें, एक्सपर्ट बेनिफिट्स इन्फ्यूज विद द गुडनेस ऑफ कुमकुमादी तैलम, फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक केयर हैज 16 इंग्रेडिएंट्स विच आर नाउन टू गिव द फॉलोइंग। इसमें 16 हर्ब्स जड़ी बूटियाँ हैं, जो कि स्किन से दाग धब्बे, कील मुहासे, झाइयाँ और स्किन की डार्कनिंग जो होती है, पिगमेंटेशन, उसको भी दूर करता है। बहुत अच्छा है ये सॉप, काम्स एंड सूदेस द स्किन, लोदरा खास नीलो, इसमें लोदरा खास नीलो नीलोत्पाल है। और ये देख सकते हैं, क्लियर्स मार्क्स एंड इम्प्रूव्स कम्प्लेक्शन। ये क्लियर मार्क्स का जो दाग, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, दाग मार्क्स बन जाते हैं, उनको भी दूर करता है। और इसमें जो ये शामिल है, अंजिस्ता, कैसर एंड पद्माक, ये सारी इंडियन जड़ी बूटियाँ हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्लियर इवन स्किन टोन, ये स्किन टोन को टोन अप करता है, उसको फेयर करता है। मिल्क, बरगद, वीट जर्म ऑयल शामिल है इसमें, ये सारी जड़ी बूटियाँ, 16 जड़ी बूटियाँ। और इसको आप 2 से 3 बार इस यूज़ करें, और कोई भी इस साथ में आप इसी आयुर्वेदिक क्रीम भी यूज़ करें, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। नॉट जस्ट अ सॉप, इट इज़ योर डेली फेयरनेस एक्सपर्ट। और ये आपको फेयरनेस देता है और ज़बरदस्त है, बेस्ट है ये। आप डाउटलेस होकर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे खोल कर भी दिखा देता हूँ, ये खूबसूरत पैकिंग में। और ये देखें, इस तरह का ये सॉप है, तरह के प्लास्टिक रैप में है, फेयर एंड लवली। ये देखिए, ज़बरदस्त सॉप है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी माइल्ड किस्म की है, माइल्ड है काफ़ी, जो कि माइंड पर नहीं चढ़ती। काफ़ी अच्छा सॉप है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलते तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा सॉप है और ये स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे, कील मुहासे, झाइयाँ दूर करता है। और इसके साथ आप चाहें तो, अगर गर्मियाँ हैं तो आपने ये सॉप यूज़ करना है, और इसके साथ यही आयुर्वेदिक केयर क्रीम यूज़ करनी है, जो कि इंडियन ब्रांड है और आपको मिल जाएगी इजीली। और ये आपको 150-100 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा सॉप है, मुझे तो ज़बरदस्त लगता है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इसकी क्रीम भी यूज़ की है, फेस वॉश भी यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा तो उसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर ज़बरदस्त है, और ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसे, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।